यस सर। सर। ओके बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं फिर अगला टॉपिक हमारा, विच इज अबाउट डिस्कस वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन जनरल अगर हम लोग ये जाने की डिमांड क्या है। आकांक्षा बताना चाहेंगे डिमांड किसको बोलेंगे, क्या डिमांड किसे कहेंगे, वुड यू लाइक टू टेल अबाउट इट? आकांक्षा हेलो 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 आकांक्षा किशन, आप कुछ बता पाएंगे? हेलो हाँ हेलो आकांक्षा, आवाज आ रही है? हेलो हेलो यस हाँ आकांक्षा, कह रहा हूँ सर डिमांड डिमांड के बारे में क्या सॉरी आइडिया है सर, थोड़ा बताएंगे? डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ हाँ डिमांड जी, सर, डिमांड्स कहने का मतलब कि सर जो भी गुड्स होता है सर वो ज्यादा जो मतलब सर जो ज्यादा यूजफुल होता है या जिसे सर आई मीन टू से दैट कि हेलो हाँ, आ रही है आवाज, कहिए। कहने का मतलब कि जो भी मार्केट में जिस भी गुड्स का मतलब क्या सर सर डिमांड ज्यादा होता है उसका सप्लाई ज्यादा होता है और उसका प्रोडक्शन भी क्वांटिटी में ज्यादा करना चाहिए। राइट, हेलो बट हाँ ठीक है। सर, मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ किसी भी प्रोडक्ट का अगर किसी भी तरह का मार्केट में अगर डिमांड हो तो उसे डिमांड कहते हैं। ओके, यहाँ पे 11-12 में हम लोग एक बहुत ही बेसिक चीज करते हैं, प्लस यहाँ पे भी है, मैं बता देता हूँ। डिमांड ना, जैसे कि मुझे कोई चीज चाहिए, जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि मुझे कोई चीज चाहिए तो वो मेरा डिमांड है, मुझे आईफोन खरीदना है तो वो मेरा डिमांड है, ठीक है, और मुझे कहीं घूमने जाना है वो मेरा डिमांड है, ठीक है। लेकिन लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब होता है कि आपको अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास उतना मतलब पैसे भी होने चाहिए। जैसे कि मुझे अगर आईफोन खरीदना है तो मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूं, इन जनरल मैं कहूंगा कि मेरी डिमांड है कि मैं आईफोन लेना चाहता हूं, बट इकोनॉमिक्स में वो डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक्स में वो डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास आईफोन लेने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन लेने के लिए पैसे होंगे तो ही आप डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट में। मुझे तो डिमांड और डिजायर में एक बहुत ही थिन लाइन है कि डिमांड क्या है और डिजायर क्या है। डिमांड मतलब हो गया वो सारी वस्तुएं जिसको खरीदने की क्षमता आपके पास है, तो ही तो आप डिमांड क्रिएट करेंगे, तो ही आप खरीदने लायक होंगे। पर आप खरीदना ना खरीदना, दैट्स योर चॉइस, बट इफ यू वॉन्ट टू बाय यू नीड टू हैव दैट सोर्सेस जिससे कि जिसके जरिए आप बाय कर सकें, तो ये डिमांड है। पर अगर आपके पास बाय करने की क्षमता नहीं है, स्टिल इफ यू वॉन्ट टू बाय दैट थिंग, दैट विल बी कॉल्ड आर डिजायर, उसको हम लोग फिर डिजायर बोलेंगे, ठीक है। तो मैं वो एक्चुअली सुनना चाह रहा था, बट आकांक्षा जो आपने कहा वो सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गलत है, बट मैं पूछना कुछ और चाह रहा था, समझना कुछ और चाह रहा था। तो ओके जी, तो डिमांड तो ये समझ में आ गया आपको कि डिमांड किसे कहेंगे, जो भी चीज मुझे चाहिए वो डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड सिर्फ उसी को कहा जाएगा जिस चीज को लेने के लिए मेरे पास पैसे हों, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो वो मेरा डिजायर हो गया, वो डिमांड नहीं हुआ। ओके अब इसी सर, तो यही डिफरेंस है डिमांड और डिजायर में, है ना डिजायर में, यस। सर? कहने का मतलब जिस चीज को परचेज करने के लिए हम लोग मतलब कि हम लोग एबल है तो उसे हम लोग डिमांड कहेंगे। यस सर, जी यस यस यस, अब यस सर। और जिस सोचिए। चीज को मतलब सर कहने का मतलब कि मैं उस चीज को परचेज करना चाहती हूँ बट मेरे पास उतना सफिशियंट अमाउंट है नहीं उसको परचेज करने सर, तो उसे डिजायर कहेंगे, है ना? तो वो हम डिजायर चला जाएगा। इन जनरल हम लोग ओके यही सर, समझते हैं कि कुछ भी मुझे चाहिए तो वो मेरा डिमांड है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में डिमांड सिर्फ उसी को कहा जाएगा जहां पे आपके पास वो क्षमता होगी उस चीज को लेने की, ठीक है। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो हमारा टॉपिक अभी हम लोग कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड,
ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिसके जरिए हम लोग ये पहचान सकते हैं कि वो मेरा डिमांड है या उसके जरिए डिमांड डिमांड क्रिएट हो सकता है। तो अभी मैंने एक सिंपल सा जो डेफिनेशन में बोला था बात कि आपकी क्षमता होनी चाहिए, मतलब आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे सर, पहले क्या बोला है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का प्राइस है क्या वो आपके जो भी इनकम है क्या उसमें वो फिट बैठ रहा है। जैसे कि मैंने अभी रेनो लिया, मुझे भी एप्पल लेने का मन था, पर मुझे एप्पल 14 या 14 प्लस नहीं लेना, मुझे लेने से 14 का जो प्रो वाला वर्जन है जिसमें वो आईलिड आता है मुझे वो वाला चाहिए, पर उसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है, दैट आई कांट अफोर्ड, राइट। ओके तो उस चीज में मैंने फिर रेनो ले लिया। तो डिमांड मेरा एक्चुअली था एप्पल का, बट मेरा जो कैपेसिटी है पे करने का वो उतना नहीं था, तो वो मेरा अभी डिजायर है। डिमांड मेरा फिर मैंने ओके किसका सर, क्रिएट कर दिया, ओप्पो रेनो का, तो वो मैंने खरीद ओप्पो लिया, रेनो फोन, राइट। यस तो ये एक आपका जो है सर। डिटरमिनेंट है डिमांड का। अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगी तो आप उस प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट नहीं बन सकते, मतलब आपको उस प्रोडक्ट में डिमांड आप क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपके पास उस चीज को खरीदने के पैसे ना हो, वो डिमांड फिर नहीं कहलाएगा। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, इसको पढ़ते हैं ज्यादा समझ में आएगा। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जनरली अ हायर प्राइस लीड अ हायर प्राइस लीड्स टू लोअर क्वांटिटी डिमांड, है ना, बोली गई है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा होगी प्रोडक्ट की तो उस चीज में जो डिमांड है वो मेरा कम हो जाएगा, जो क्वांटिटी डिमांड है। अगर एप्पल का फोन अगर सपोज 10 हजार 15 हजार में मिलने लगे तो मैं तो 5 6 ले लूं, है ना, अभी मैं एक भी नहीं ले पा रहा। तो वही बात है कि अगर प्राइसेस कम जाएंगी तो आपका जो डिमांड की क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी, है ना किशन, जी ये चीज है। अ हायर प्राइस लीड्स टू अ लोअर क्वांटिटी डिमांड, अगर प्राइसेस ज्यादा होंगी तो क्वांटिटी डिमांड आपका घट जाएगा, वाइल अ लोअर प्राइस जब प्राइसेस कम हो जाती हैं तो वहां पे जो हमारा डिमांड है वो बढ़ जाता है। कोई अच्छा फोन अगर अचानक से सस्ते दाम में मिलने लगे बाय गिविंग कैश बैक्स और वट एवर ऑफर, तो उस केस में उसकी डिमांड देखना आप बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, जब किसी मूवी टिकट की प्राइस बढ़ती है तो उसका जो डिमांड है मूवी को देखने जाने के लिए जो लोग इच्छुक थे वो लोग पीछे हटने लगते हैं कि भाई 1100 रुपए देके कौन जाएगा मूवी देखने, ऐसा, ठीक है। सर तो लोग, दैट्स लेकिन लोग प्राइस। क्यूरियोसिटी में चले भी जाते हैं तो। हाँ, जैसे मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मार्वल आई होप आप लोगों ने सुना होगा, वो आयरन मैन, सुपरमैन, थॉर एंड ऑल, तो उन सब की मूवीज आती है तो मैं प्राइस नहीं देखता, मैं मूवी देखता हूँ, तो वो एक चीज है। अच्छा यहाँ पे भी देखो एक कंसेप्ट आपने एक बोला, ये कंसेप्ट है, ठीक है ना, जैसे ये हम लोगों ने एक डिटरमिनेंट हम लोगों ने किया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन किसी किसी जगह पे नियम लागू नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं जब मार्वल का मूवी देखने जाता हूँ तो फिर मैं प्राइस को मैटर नहीं करता, मेरे लिए मूवी देखना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है क्या वो काम कर रहा है यहाँ पे, फिर नहीं कर रहा। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जब प्राइस कमेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, जब प्राइस ज्यादा घटेगा, होगा यस, जब प्राइस घटेगा, जब कमेगा तो डिमांड हमारा ज्यादा होगा, लेकिन जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, यही लॉ ऑफ डिमांड है, सिंपल। सर, डिमांड लेकिन का यहाँ पे नियम, वो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है ना? हाँ, जब मैं मार्वल की बात कर रहा हूं तो ये यहाँ पे डिमांड जो लॉ है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है ना, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, ठीक है। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे जब मैं करूंगा, ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने अभी बताया मूवी वाला बात, कि किसी किसी जगह पे देखना। अब जैसे आप टमाटर का एग्जाम्पल ले लो टमाटर का एग्जाम्पल ले लो, टमाटर की कीमत 300 रुपए है, तो क्या उसकी डिमांड बढ़ रही है ज्यादा, लोग कम खा रहे हैं ना उसकी, क्योंकि 300 रुपए भाई कौन लेने जाएगा 300 रुपए किलो टमाटर, राइट। तो उसका प्राइस इतना ज्यादा हो गया कि क्वांटिटी जो उसका डिमांड है वो घट गया है, लेकिन जैसे ही प्राइस उसका घट जाएगा डिमांड उसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये तो डिमांड हो गया। अब मान लो कोई ऐसी चीज जो खाना आपके लिए जरूरी है, जैसे चावल और रोटी, चावल और आटा, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी भी क्यों ना हो जाए इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास, हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम नहीं कर रहा। पानी, पानी सपोज पानी दुनिया में नहीं है और पानी की कीमत बहुत ज्यादा है, आप क्या करोगे, नहीं पियोगे, पीना पियेंगे ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है,
नहीं काम कर रहा है, यहाँ एक्सेप्शन आ रहा है। हाँ ये एक्सेप्शंस का भी एक पूरा का पूरा लिस्ट है, जब हम लोग डिमांड डिटेल में करेंगे तो फिर करेंगे। फिलहाल हम लोग डिटर्मिनेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो प्राइस एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है कि प्राइस जो है वो क्या होगा, ठीक है। दूसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, ये दोनों एक्चुअली रिलेटेड है, प्राइस और इनकम एक दूसरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो डिसाइड करती है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। आपका बहुत सारा खर्च है, आपके पास अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो 100 रुपए में आपको 50 रुपए घर चलाने में देना है, 30 रुपए आपका जो भी चीजें आप करना चाहते हो वो करना है, 20 रुपए सेविंग्स करना है। ये मैंने 532 रूल बता दिया, खैर कोई नहीं। तो ये इस तरीके से ना हमारा एक पूरा का पूरा बजट होता है, मंथली एक बजट होता है कि इतना रुपए आ रहा है, इतना में इतना हम लोग यहाँ खर्च करेंगे, इतना में वहां खर्च करेंगे, और जो फिर बचेगा उसको देखा जाएगा इधर उधर कहाँ करना है। तो इनकम जो है कंज्यूमर का वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मेरा इनकम इतना नहीं होगा कि मैं एप्पल बाय कर सकूं तो मैं बाय नहीं कर पाऊंगा। तो इनकम भी एक क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, एक कारक है जो डिमांड के ऊपर प्रभाव डालती है। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अनदर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। जनरली एन इनकम एज इनकम इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, ठीक है। जब इनकम आपका इंक्रीज होगा तो जो क्वांटिटी डिमांड है आपके नॉर्मल गुड्स का, जिसका आप सेवन ज्यादा करते हो, उसका डिमांड भी आपका बढ़ने लगेगा। अगर आपके पास सैलरी में अगर 10% 20% अगर आ जाता है तो आप और बेहतर खाने की कोशिश करते हो, खाना जो भी आपका है अच्छी अच्छा है, आप और बेहतर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है, व्हाइल द क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। अब देखो इंफीरियर गुड्स, यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है, इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो कि क्वालिटी में अच्छा नहीं होता है, या जिसको नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, जनरली क्वालिटी में जो लोग अच्छा नहीं होता है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या बताऊं मैं, कोई भी मान लो कोई एक प्रोडक्ट है जिसका दो तरह का, दो प्रोडक्ट, दो कंपनी है, एक बहुत अच्छा कंपनी है, एक थोड़ा सा नॉर्मल कंपनी है, ठीक है। आपके पास अगर पैसे होंगे तो आप कौन सा लोगे, अच्छा वाला कंपनी लोगे ना। जी सर वो चीज है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ऑल्सो अ फैक्टर टू यू नो इंक्रीज और डिक्रीज एनी प्रोडक्ट्स डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में ये होता है। तो यहाँ पे जो इन्फीरियर गुड्स है उसका जो डिमांड है वो घट जाएगा। एग्जाम्पल के तहत देखो बोला गया है, एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, कंज्यूमर्स मे स्विच फ्रॉम जेनरिक प्रोडक्ट टू ब्रांड नेम प्रोडक्ट। आप क्या करोगे, जेनरिक प्रोडक्ट छोड़ करके आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लेने की कोशिश करोगे। जैसे कि मैं अपनी कहानी बताता हूँ, कुछ सालों तक जो इनकम था मेरा वो बहुत ज्यादा नहीं था, तो ग्रोसरी से अगर सामान आ रहा है, सपोज ऑयल आ रहा है या चावल आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ब्रांड के ऊपर उतना नहीं जाते थे कि कौन सा ब्रांड का चावल खा रहे हैं या कौन सा ब्रांड का ये कर रहे हैं या फिर कौन सा ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, उतना पहले मैटर नहीं करता था। बट जैसे आपके पास पैसे आने लगते हैं, आप सोचते हो कि मैं थोड़ा सा अच्छा ब्रांड का मैं लूंगा। दवाइयों के केस में ऐसा बहुत होता है, दवाइयां भी बहुत, अभी देखना मार्केट में कि बहुत तरह की दवाइयां हैं। जैसे मैं अभी लेकिन जेनरिक दवाएं बहुत ज्यादा लेता हूँ, ऐसा नहीं कि ब्रांडेड दवा ही लेनी चाहिए, जेनरिक दवाएं भी अच्छी होती है, जेनरिक खाना भी अच्छा होता है, लेकिन चूंकि ब्रांड वहां पे होगा तो वहां पे क्वालिटी कंट्रोल होगा। ब्रांड्स जनरली, ब्रांड्स को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पे क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटी चेक होता है प्रोडक्ट्स का, कि प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है बुरा है, तो लोगों को कैसा लगेगा, तो क्वालिटी चेक उसका होता है। लेकिन जेनरिक प्रोडक्ट्स में जनरली क्वालिटी चेक उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट से वो लोग ब्रांड की तरफ चले जाते हैं ताकि उनको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। बट अगर आप कंपनीज को पहचानते हैं अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली जेनरिक भी अगर आप लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे दवाओं में अभी आपने सिप्ला का नाम सुना होगा, एबॉट का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ल्यूपिन है ना। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इन सारे दवाओं को देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप इन दवाओं के बदले कोई जेनरिक दवा नहीं ले सकते। अगर आप दुकान में जाकर के बोलेंगे कि मुझे इसका कोई जेनरिक दवा दीजिए तो वो लोग जेनेरिक दवा देंगे, नॉर्मल जो दवा है वही सॉल्ट वही रहता है, जो हम लोग दवा खाते हैं वो एक तरह का सॉल्ट होता है, नमक नहीं, उसको सॉल्ट ही बोलते हैं, वो खाएंगे तो हमारे बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा और हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो वो चीजें बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, जो नॉर्मल ब्रांड की, जो नॉर्मल कंपनीज हैं जिनका ब्रांडिंग बहुत बड़ा नहीं है, जैसे एल्डर का आपने नाम सुना होगा, एल्डर का टीवी में कोई ऐड नहीं चलता है, एल्डर जल्दी जल्दी मतलब फिर भी एक ठीक ठाक कंपनी है, एल्डर एक जेनरिक कंपनी है पर अच्छी कंपनी है, तो मैं एल्डर के प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज है,
कि आप क्या करोगे, लेकिन जब आपके पास पैसे होंगे तो आप क्या बोलोगे कि चलो थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाए प्रीमियम में, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पैसे तो हैं, राइट? तो वो चीज होता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट और क्या बोलेंगे, वाइटल डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी एक पॉइंट है, जो रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइसेस भी मैटर करती हैं. जैसे चाय और कॉफी का एग्जांपल बहुत चलता है इकोनॉमिक्स में, कि आपको चाय, अच्छा चाय कॉफी जो है सब्स्टिट्यूट है चाय का, चाय सब्स्टिट्यूट है कॉफी का. अब ऐसा नहीं है कि कॉफी महंगी है तो लोग कॉफी ही पियेंगे, बट अगर सपोज जिसको कॉफी पीना बहुत पसंद है उसके लिए कॉफी अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो वो चाय पी के काम चला सकता है, वो उसका सब्स्टिट्यूट है. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी एक तरह का वर्ड है जो कि इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो उसकी प्राइसेस भी मैटर करती हैं, ठीक है? जैसे कि सपोज चाय और कॉफी के प्राइसेस में ज्यादा अंतर नहीं रहा, कॉफी जनरली लोग कम पीते हैं, वो इसलिए भी, ऐसा नहीं कि कम पीते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग तो पीते ही हैं. जैसे मैं, मुझे कॉफी पीना बहुत पसंद है, पर मैं रेगुलर तो नहीं पी सकता क्योंकि काफी महंगा आता है. चाय सर काफी मुझे भी कॉमन है. पीना जी पसंद है, सर मुझे भी कॉफी पीना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, कॉफी पीती हूँ। दैट्स गुड, दैट्स गुड. बट बहुत सारे फैमिलीज में, टू बी ऑनेस्ट, मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर कॉफी पी सकूं या पूरे परिवार में सारे लोग कॉफी ही पिए, क्योंकि कॉफी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है विद कंपैरिजन टू चाय, ठीक है? लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि चाय की कीमत और कॉफी की कीमत बराबर हो जाए, तो आप क्या करोगे? तो कॉफी पियोगे, क्योंकि आपको पसंद तो कॉफी है. चलो घर में सभी को पसंद कॉफी ही है, तो उस केस में सभी लोग क्या करेंगे, फिर कॉफी पे शिफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो रिलेटेड गुड्स है, चाय कॉफी सेम कैटेगरी का है, दोनों का इस्तेमाल जो है एज ए स्नैक्स के रूप में शाम के टाइम में किया जाता है. तो अगर सब्स्टिट्यूट मुझे बेहतर मिले तो मैं बेहतर की तरफ जाऊंगा. तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी एक तरीके से मैटर यहाँ पे करता है. यहाँ पे देखो, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन ऑल्सो अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है? तो जो प्राइस है गुड्स का वो भी एक तरीके से अफेक्ट होता है उसके क्वांटिटी के डिमांड के ऊपर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. अब यहाँ पे देखो, कॉम्प्लीमेंट गुड्स भी बोला जा रहा है, ठीक है? सब्स्टिट्यूट तो मैंने आपको बताया कि एक के बदले दूसरा, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो चलो वो चल गया. कॉम्प्लीमेंट्स में हो जाएगा कि अगर, मतलब कोई प्रोडक्ट के साथ में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, जैसे चाय के साथ बिस्किट, ठीक है ना? तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी मैटर करती हैं. When the price of a substitute product increases, the quantity demand of original product increases. ठीक है, देखो यहाँ पे ये लॉ है. When the price of a substitute product increases, जब किसी substitute product का price increase होता है, the quantity demand of original product increases. Suppose चाय दो तरह की है, दार्जिलिंग और आसाम, ठीक है? तो जब substitute है, आप सपोज दार्जिलिंग पीते हो, आपके लिए substitute आसाम का चाय है, लेकिन अगर आसाम के चाय, यहाँ पे क्या बोला गया, व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर आसाम के चाय की कीमत में बढ़ोतरी होने लगे तो आप क्या करोगे? आप फिर दार्जिलिंग वाला ही सिर्फ पियोगे, क्योंकि आपको दार्जिलिंग, पता है, क्योंकि आपके पास, आप कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों का जब प्राइस बराबर है तो आपको दार्जिलिंग वाला ही पीना है, क्योंकि दार्जिलिंग वाला बेटर क्वालिटी का है, दार्जिलिंग वाला एक्सपोर्ट भी होता है. वो हो गया, तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा, ये यहाँ पे है. नाउ When the price of a complement product increases, जब किसी complement product का जो price है वो increase होता है, the quantity demand of original product decreases. Example के तौर पे, when the price of Coke increases, जब Coke की price बढ़ती है, the quantity demand of Pepsi increases. ठीक है, दोनों एक ही तरह का तकरीबन हो गया. जब price Coke का बढ़ रहा है तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी डिमांड है पेप्सी का वो भी बढ़ रहा है. आजकल हालांकि कोई ध्यान नहीं देता कौन कौन पेप्सी पी रहा है या फिर कोक पी रहा है. आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, चलो पूछ लेता हूँ. पूरी दुनिया में आपको पता है कि कितने सारी कंपनीज हैं, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हो गया, इन जनरल मैं अगर बोलूं तो कितनी सारी कंपनीज हैं जो कि ये बनाती हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाती हैं, आपको पता है? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ. नो सर, किशन आपको पता है? तो मैं जनरली तो जानता हूँ जो कंपनी के नाम, जो जो ब्रांड हम लोग पीते हैं, कोक, पेंटा, और ये सब हो गया, पेप्सी हो गया, ये तो कंपनी का नाम मुझे पता नहीं है, ब्रांड का नाम पता है। यस, ये ब्रांड्स हैं, ये कंपनीज नहीं है, यही बात है. हाँ यस दुनिया में सर, मोस्टली मोस्टली क्या, एक दो कंपनी और को छोड़ करके, जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सिर्फ दो ही हैं,
पेप्सी और कोको कोला, पेप्सी और कोक, और कोक बस। पेप्सी जब लिमका निकालता राइट है राइट तो कोको कोला आपका स्प्राइट निकाल देता है। लिमका कह रहा हूं, जब क्या कहते हैं सेवन अप, दोनों में ना कंपटीशन चलता है, सेवन अप सेवन अप, जब इसने यस सर सेवन अप निकाला तो उसने आपका वो निकाल दिया, स्प्राइट निकाल दिया। जब स्प्राइट इसने फैंटा यस निकाला तो उसने मिरिंडा निकाल दिया। जब इसने क्या सर कहते हैं वो लिमका निकाला तो उसका कुछ और निकल गया। दोनों में ना कंपटीशन है, कंपनीज दो ही हैं लेकिन ब्रांड्स जो है उसके अंडर में, इतने कंपनी के अंडर में वो बहुत सारी हो गई हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते पेप्सी हुए। और कोक की एक कंपनी है ना, और बाकी जो स्प्राइट है, लिम्का है, या तो जो भी है, माजा वगैरह, ये सब एक ब्रांड्स है ना। उसके ब्रांड्स है, उसी कंपनी के ब्रांड्स है। जब आप माजा पिएंगी तो माजा के नीचे में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा आप कोको कोला कंपनी, ओके वो अपने आप में सर, ही एक कंपनी बन गई है, इतना ब्रांड बन गया है बड़ा माजा कि वो अपने मतलब आप में ही एक, उसका क्या कहेंगे, अब एक बन गया है वो कंपनी, एक अलग से बन गया। उसका जो अकाउंटिंग वगैरह है वो पूरा डिफरेंट होता है। लेकिन जो पैरेंट कंपनी है, आपने पैरेंट कंपनी, सिस्टर कंपनी आपने सुना होगा, पैरेंट कंपनी आपका कोक और पेप्सी ही है, दो दो ही कंपनी है, बाकी सब के सब जो है उसके सिस्टर्स कंपनीज हैं आप बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। एक और फैक्ट बताता हूं, दुनिया में जितनी भी सारी गाड़ियां, गाड़ियों के नाम आपने सुने होंगे, लेम्बोर्गिनी, ऑडी और वॉट एवर, जो सबसे मेजर कंपनी है वो है फोक्स वॉगन। हम लोग फोक्स वॉगन देखते हैं, भी रहता है, लेकिन वही कंपनी है जो कि बीएमडब्ल्यू, ऑडी सब बनाती है, एक ही कंपनी है। फोक्सवैगन की गाड़ियां कोई नहीं खरीदता, पर उस कंपनी का जो सब्स्टिट्यूट कंपनी है, जो सॉरी जो सिस्टर कंपनी है उसके गाड़ियां लोग खरीदते हैं, ये भी है। तो आप जब चेक करेंगे ना, अभी जैसे मैं रिसेंटली, मुझे पता नहीं था, मैं घड़ी चेक कर रहा था, वॉचेस चेक कर रहा था, तो मुझे रिसेंटली पता चला कि टॉमी हिल फायर नाम का एक कंपनी है, मुझे लगता था कोई विदेशी कंपनी है, पर वो टाइटन का है, मुझे नहीं पता यस था। सर, फास्ट ट्रैक मुझे पता है कि हाँ टाइटन का है, पर टॉमी हिल फायर जो कि सुनने में ही थोड़ा लगता है कि कोई बाहर की कंपनी है, वो इंडियन कंपनी है, वो इंडियन कंपनी के अंडर में ही एक कंपनी है, टाइटन के अंडर में, आप सोचो। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्केट फेयर रहा है। पार्टनर रिलायंस के बारे में बात करें तो रिलायंस का जो है मेन धंदा, जो मेन बिजनेस है, वो उनका ऑयल से होता है, लेकिन अभी तकरीबन वो लोग सारे के सारे सेक्टर में घुस गए हैं, एग्रीकल्चर हो, ऑटोमोबाइल हो, फोन वाले में तो खैर जियो के अलावा तो कुछ है ही नहीं अभी। एयरटेल थोड़ा बहुत कंपटीशन देता है, बट स्टिल जियो इज किंग राइट नाउ। तो वो एक हो गया, वो लोग तकरीबन सारे, अभी रिसेंटली एक ऑयल मैंने मार्केट में देखा, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑयल, और जब नीचे में देखा तो मैन्युफैक्चर्ड बाय रिलायंस रिटेल। ठीक है, तो अभी वही हो रहा है, अभी एक दो कंपनीज ही हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। फॉर्च्यून आपने नाम सुना होगा, अडानी का है, बहुत सारी कंपनीज यस हैं एक ही बंदे की, एक ही बिजनेस की, इसलिए एक कहा ही जाता है कंपनी के कि बहुत सारे ब्रांड है ना। यस यस यस, बहुत सारे ब्रांड्स उन लोगों ने क्रिएट करके रखे हुए हैं नाउ। तो ये चीज हो गई, ठीक है ना। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स भी मैटर करता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। द फोर्थ वन इज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। अब हमारा जो प्रेफरेंस है और टेस्ट जो है वो भी मैटर करता है डिमांड को क्रिएट करने के लिए। अब ये थोड़े से रिच लोगों के लिए हो गया, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रेफरेंस जिनका लो इनकम ग्रुप है, जो लोअर इनकम ग्रुप में आएंगे, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, 20,000 30,000 रुपए तक कमाते हैं मंथली, उनकी जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, उनका प्रेफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर उनको एक क्वालिटी का नहीं, एक कंपनी का नहीं मिला, तो वो दूसरी कंपनी का ले लेंगे, उस उनको उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब आपका इनकम बहुत ज्यादा होने लगता है तो आपका प्रेफरेंस भी इम्पैक्ट करने लगता है। आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो भाई इसी कंपनी का चाहिए, मुझे कोई और कंपनी का कॉफी पीना ही नहीं है। तो ऐसा भी होने देखने को मिलता है। तो जो कंज्यूमर प्रेफरेंस या कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो भी मैटर करता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट, उसके डिटरमिनेंट्स के बारे में। कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट आर ऑल्सो आर अनदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट कैन लीड टू चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ही लोगों का प्रेफरेंस या लोगों का टेस्ट बदलता है, तो जिस चीज में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जिस चीज को वो लोग लेना चाहते हैं, उसकी डिमांड फिर बढ़ जाती है, और जहां पे उनका टेस्ट पहले था, जिसको लेना वो पहले पसंद करते थे, उसकी डिमांड फिर घट जाती है। तो उनके टेस्ट और कंज्यूमर प्रेफरेंस के ऊपर भी मैटर करता है। अब सपोज
नॉट ओनली इनकम वाला फैक्टर, अगर आप मार्केट में जा रहे हो और आपको पता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो भले ही आपको 1-2 रुपए ज्यादा पड़े, 50-60 रुपए ज्यादा पड़े, प्रीमियम कॉस्ट पे आपको पे करना पड़े, लेकिन आप उसी को लेना चाहेंगे क्योंकि आपका प्रेफरेंस है, आप उस चीज को लेना चाहते हो। ठीक है ना, आपको मैटर नहीं करता पैसे उतना ज्यादा, कुछ रुपए आपको ज्यादा मैटर नहीं करते, आपका प्रेफरेंस है उस चीज को बाय करना, आपका आपको उसी का टेस्ट पसंद है, आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज का ही टेस्ट पसंद है यहाँ पे। हालांकि टेस्ट मतलब टेस्ट की बात नहीं हो रही, स्वाद की बात नहीं हो रही, टेस्ट मतलब आपके चॉइस की बात हो रही है। हाँ यस, तो टेस्ट की बात हो रही है, तो जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस होगा उसका टेस्ट होगा वो भी एक तरीके से मैटर करेगा। वो भी उसको भी हम लोग एज अ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है, एज कंज्यूमर बिकम्स मोर हेल्थ कॉन्शियस, जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जाएंगे, उनका जो डिमांड है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के वो बढ़ेगा। जैसे इंडिया में मैं उस दिन बता भी रहा था कि ऑर्गेनिक फूड जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लोग पेस्टिसाइड्स के खाने, मतलब पेस्टिसाइड वाला खाना वो लोग नहीं चाहते हैं अभी के टाइम पे, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिक अफोर्ड कर पाना। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो स्केल पे होती है। और अगर आपको ऑर्गेनिक फूड्स खाने हैं, अगर आपको ऑर्गेनिक दालें लेनी है, आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो ऑर्गेनिक का प्राइस जो है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। पेस्टिसाइड एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्या कहेंगे फसलें जो होती हैं उसके लिए, क्रॉप्स, बट ऑर्गेनिक का इस्तेमाल बहुत कम होता है। हालांकि मेघालय आई गेस एक स्टेट है हमारे इंडिया में जहां पे वो कम्प्लीटली जो है वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज मेघालय, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई गेस इट वॉज मेघालय, बिकॉज वो सेवन सिस्टर स्टेट्स में ही कोई एक स्टेट है, एंड आई एम प्रिटी श्योर की मेघालय ही है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस और लेकिन टेस्ट भी एक तरीके से मैटर करता है यहाँ पे। फिफ्थ नंबर पॉइंट है डेमोग्राफिक एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो जाता है डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, लेकिन ये भी बहुत इंपैक्ट करता है। अगर आपकी डेमोग्राफी ऐसी है जहाँ पे जैसा कि मैंने वो साड़ी वाला और स्कर्ट वाला या फिर जो जो मॉडर्न ड्रेसेस है मैं उसकी बात कर रहा था, अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे लोग कल्चर में साड़ियां पहनना पसंद करते हैं, वहां पे अगर आप स्कर्ट सेल करेंगे या मॉडर्न ड्रेसेस सेल करेंगे तो वो उस चीज की डिमांड कभी नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, तो जो डेमोग्राफी है वो भी काफी मैटर करेगा आपके प्रोडक्ट के डिमांड को लेकर के, राइट। जो पॉपुलेशन है वो मैटर करेगा, अगर लोग ज्यादा होंगे तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड भी ज्यादा होगा, अगर लोग ही कम होंगे तो प्रोडक्ट का डिमांड तो होने से रहा, राइट। तो डेमोग्राफी और पॉपुलेशन दोनों मैटर करता है। डेमोग्राफिक फैक्टर सच एज एज, जेंडर एंड एजुकेशन लेवल कैन ऑल्सो इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। एज कैसे इम्पैक्ट करेगा, आपकी उम्र के हिसाब से जो है प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जिसमें जैसे कि बच्चों का बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है जहां पे लिखा हुआ रहता है 3+ के बच्चों के लिए है, या छोटे बच्चों के लिए है, या 17-18 साल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बाकी छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो जो एज है वो भी आपके प्रोडक्ट के लिए एक तरीके से मैटर करेगा। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, एज, जेंडर, एजुकेशन, कल्चर, रिचुअल्स जो भी हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो डेमोग्राफिक्स के अंडर में आ जाएंगी। ठीक है, तो वो हो गया। एजुकेशन लेवल कैन ऑल्सो इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एन एजिंग पॉपुलेशन मे इंक्रीज द डिमांड ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेस। ठीक है, ऐसा पॉपुलेशन जहां पे जो बूढ़े, बूढ़े बोलना गलत होगा, मतलब ऐसे लोग जिनकी पॉपुलेशन, जिनका उम्र ज्यादा है, मतलब कोई एक बढ़ता ऐसा जा रहा है एरिया जैसे मैं जापान की, हाँ किशन कुछ कहिए, उम्र, जिसका उम्र बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे यस ग्रो हो रहा है। जैसे जैसे जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान में जो पॉपुलेशन है वहां पे आई गेस 50 या 60% पॉपुलेशन जो है मोर देन 45 ईयर्स से ज्यादा है, 35-45 ईयर्स से ज्यादा है, राइट। तो जहां पे उम्र ज्यादा होगी वहां पे हेल्थ केयर के ऊपर जो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो है वहां पे ज्यादा बिकेगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बीमारियां होने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं तो आपकी दवाइयां वहां पे बिकेंगी, आपका जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो बिकेगा, राइट। तो जो एजिंग पॉपुलेशन जहाँ पे एजेड लोगों की संख्या ज्यादा है, एजेड मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 60+ 70+ होना चाहिए, एजिंग पॉपुलेशन मतलब जिसकी उम्र, उम्र तो हालांकि सभी की बढ़ रही है, पर रेशियो वाइज जहाँ पे ज्यादा उम्र दराज लोग रहते हैं वहां पे आपका जो हेल्थ केयर सर्विसेज होगा उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता ज्यादा होगी, नर्सेस की आवश्यकता ज्यादा होगी, वगैरह वगैरह।
तो डेमोग्राफिक्स एंड पॉपुलेशन भी एक तरीके से मैटर करता है। जैसे मैं जापान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जापान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि जापान में काफी लोगों की संख्या ऐसी है जिनकी एज जो है वो 40 या 45 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहां पे हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड भी ज्यादा है। इन समरी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर न्यूमरस एंड वैरिड। अगर देखा जाए तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है और वैरिड है, डिफरेंट डिफरेंट है। दे इंक्लूड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा प्रोडक्ट का, एक कंज्यूमर का इनकम आ जाएगा, रिलेटेड गुड्स आ जाएगा, जो हम लोगों ने ऊपर में किया उसी को फिर से वापस से लिखा गया है, ठीक है। बाई अंडरस्टैंडिंग दीज डिटर्मिनेंट्स बिजनेस कैन एडजस्ट देयर प्राइसिंग, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब यही बात समझने वाली है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये इकोनॉमिक्स की ही सारी चीजें हैं जो कि आपको करनी होंगी। आपको ये पता करना होगा कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, और डिमांड के भी अलग अलग आप डिटर्मिनेंट हो गए तो आपको उनको भी स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप उसके बेसिस पे सही डिसीजन ले पाए। तो इस बात से भी, ये क्वेश्चन से भी ये प्रूफ होता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो बिजनेस में एग्जिस्ट करता है और एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इसी के जरिए आप अपने प्राइसिंग को एडजस्ट करेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपने प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज को कनेक्टेड एक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो आपका प्रॉफिट है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकें और आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहे। अगर आपको मार्केट में स्टे करना है फॉर अ लॉन्गर टाइम, देन यू विल हैव टू बी कॉम्पिटिटिव एट ऑल कॉस्ट। किसी भी हालत में आपको कॉम्पिटिटिव बने रहना है, क्योंकि अगर आप कंपीट नहीं करेंगे दूसरे कंपनीज के साथ तो फिर आप कंपनी मार्केट से गायब हो जाएंगे, ऐसा देखने को मिलता है। राइट, सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड दूसरा टॉपिक भी खत्म हो यस गया। पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ ओके जाएगा जब सर, आप इसको यस पढ़ सर, लेंगे तो, हाँ सर, ठीक है। पढ़ा तो था। अगला ओके क्लास फिर कल शाम को सर, करते हैं। थैंक यू सर। कल शाम में हाँ कल सुबह भी कर सकते हैं, सुबह यस सर। में, यस सुबह तो आपका क्लास रहता है ना शायद सैटरडे, सर, तो सुबह में सर, दोपहर में दोपहर में, दो हाँ या तीन तीन बजे सर, यस सर। 3 बजे, 3 बजे इज फाइन फ्रॉम मी, 3 बजे मैं फ्री हूँ। किशन आप यस यस हैंडल तो, एक 3 बजे कर लेते हैं, एक शाम में कर लेते हैं। मैं सर, ये स्केड्यूल पहले 3 बजे ज्वाइन दोनों करते हैं, फिर शाम वाला ही डिस्कस कर लूंगा। कुछ कह रही हैं आप? सर, मॉर्निंग में कब तक, अगर मॉर्निंग में करना हो तो? मॉर्निंग में करने से मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग करना होगा, 7:30-8 बजे तक। ओके सर, 7:30-8 बजे तक। सर क्या मैं थोड़ी देर में आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी शेड्यूल देख लूंगी कल एक्चुअली है क्या, तो ओके ठीक है, श्योर श्योर, ग्रुप में शेयर कर लेंगे, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल सर, शाम में लेकिन एक क्लास कर रहे हैं, शाम में हम लोग 8 बजे करेंगे, सुबह में यस कितने बजे सर, करना है वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके ओके देन, ठीक है ओके सर, किशन, थैंक यू, ओके देन, ठीक ठीक है सर, ओके सर, थैंक बाय यू सर, बाय, गुड गुड नाइट, नाइट, या गुड नाइट। गुड नाइट।